हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं कटलेट्स। कटलेट्स बनाने के लिए क्या क्या चीज चाहिए वो हम आपको दिखाते हैं, आइए। ये है तपकीर का आटा, ये है ओनियन, एक बड़ा ओनियन है जिसको एकदम बारीक संवार के रखा हुआ है। ये है ग्रीन पीस, हरे मटर, ये है अनार के दाने, ये है मूंगफली जो कि रोस्टेड है, सॉल्टेड है, ये बाजार में रेडीमेड मिलती है। इसको हमने चार पीस में कट कर दिया है। इसके बाद ये है जिंजर की पेस्ट और ये मिर्ची है, हरी मिर्च करीब इतने ही साइज़ की है तो, और ये है हरा धनिया, ये है आलू, ये उबले हुए आलू है और मटर को भी हमने साथ में ही बॉईल कर दिया था, और ये है टोस्ट जिसको हमने बारीक हाथों से ही चूरा कर दिया है इस तरह से। तो इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अब हम देखते हैं, आइए कि किस तरह से बनाते हैं। देखिए, पहले ऑनियन डाल देंगे, फिर मटर, चिली, जिंजर, धनिया, अनार, जितने चाहिए उतने डालेंगे हम। नींबू एक डाल देंगे, एक चम्मच चीनी डालेंगे, नमक स्वाद अनुसार डालेंगे, गरम मसाला डालेंगे एक चम्मच, देखिए अब तब की डालेंगे थोड़ी सी, इससे क्या होता है, इससे आटा में जो आलू में जो पानी रह जाता है वो आटा डालने से पानी चूस लेता है। हमने सारे कटलेट्स बना लिए हैं, उसका शेप भी हमने दे दिया है। देखिए ये मैदा है, मैदा के अंदर स्वाद अनुसार नमक डालेंगे थोड़ा सा, और उसका उसके अंदर कटलेट्स हम भिगो के फिर टोस्ट के अंदर डालेंगे, फिर हम तलेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अंदर नमक डालेंगे। भजिया बनाते हैं के आलू के बड़े बनाते हैं, उसके अंदर जो हम बेसन के आटे को ऐसे गीले करते हैं, ऐसे ही हम मैदा भी किया है। तो आइए सबसे पहले एक कटलेट्स को भिगोएंगे, एकदम सॉफ्टली करेंगे क्योंकि ये टूटे ना नहीं, और तुरंत इसके अंदर हम डालेंगे। फिर इसको ऐसे दबा देंगे, हमारा तेल आ चुका है, और एकदम तेल आ जाए फिर ही हम कटलेट डालेंगे।
देखिए हमारी कटलेट्स रेडी हो चुकी है। इसी तरह हम एक के बाद एक कटलेट्स को के अंदर भिगोकर मैदे के अंदर कोटिंग करके हम उसको तलते जाएंगे। कोटिंग करने के बाद उसके ऊपर टोस्ट का कोटिंग करेंगे और फिर उसको तेल में तलते जाएंगे और हमारी कटलेट्स रेडी होती जाती है। तो देखिए हमारी कटलेट्स रेडी हो चुकी है, क्रिस्पी क्रंची कटलेट्स। इसको हम चाहे इतना आकार दे सकते हैं, राउंड भी बना सकते हैं, हार्ट से भी बना सकते हैं और ये लंबगोल भी बना सकते हैं। इसे आप सॉस के साथ खा सकते हैं और आप भी अपने घर पर बनाइए और अपने अनुभव हमारे चैनल पर जरूर लिखिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।